तो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आ गए एक और नई वीडियो के साथ में, और आज की इस वीडियो में हम आपको घुमाने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट का पूरा सर्वर, दिखाएंगे भाई किस तरह से वहाँ पर आइटम वगैरह चल रहे हैं। और यहाँ पर मैं पहले भी बता दूँ कि भाई यूनाइटेड स्टेट का जो सर्वर भाई बहुत ही बढ़िया सर्वर है। और जो सर्वर की बात करें तो अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, तो ये तीनों चारों नाम उसी एक ही सर्वर के हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं आपको यूनाइटेड स्टेट सर्वर के ऊपर कि भाई किस तरह का वो सर्वर है। तो दोस्तों देख लो, यहाँ पर हम आ चुके हैं यूनाइटेड स्टेट सर्वर यानी कि US सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पर चलो सेटिंग के अंदर चल के दिखा देते हैं भाई कौन सा सर्वर है। तो रीजन के अंदर देख लो, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट लिख के आ रहा है। तो भाई यहाँ पर US सर्वर बहुत ही बढ़िया सर्वर है, और अमेरिका सर्वर भी यही है और मैक्सिको सर्वर भी यही है। तो ज़्यादा कुछ लफड़े में पड़ने की बात नहीं है। चलो यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो और दिखाते हैं लकी रॉयल के अंदर से भाई लकी रॉयल के अंदर क्या कुछ है। ओके, तो लकी रॉयल के अंदर जैसे ही हम आएंगे तो आप यहाँ पर देख लो टाइटन का जो बंडल था वो यहाँ पर देख लो फेडेड व्हील यहाँ पर चल रहा है। तो फेडेड व्हील के अंदर आपको वो बंडल तो मिलेगा ही, क्योंकि इंडिया सर्वर पर भी अवेलेबल था। तो अब तो इवेंट वो चला गया है मेरे ख्याल से। पर यहाँ पर रिमोट देख लो, यहाँ पर कॉफ़ी टी टी टाइम जो भी यहाँ पर रिमोट है तो यहाँ पर यार भाई अवेलेबल है यहाँ इस फेडेड व्हील के अंदर। चलो डायमंड रॉयल के अंदर चल के दिखा दें भाई डायमंड रॉयल किस तरह का है। तो एक तो देख लो ये फ्रंट व्यू है, पर नीचे के अंदर देख दें भाई इसके अंदर क्या, यानी डायमंड रॉयल के अंदर क्या कुछ अलग है या फिर वैसा ही है जैसा इंडिया सर्वर के अंदर है। पर यहाँ पर देख लो एकदम से बहुत ही बढ़िया यहाँ पर डायमंड रॉयल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो फ्रैगमेंट है वो यहाँ पर 5 मिलेगी, पर इंडिया सर्वर के अंदर आपको ओनली एक ही मिलेगी। मैजिक क्यूब तो आपको एक मिलेगा, पर यहाँ पर साथ में देख लो बंडल भी आपको साथ में मिलेंगे भाई, जैसा मैना सर्वर पे सेम वैसा ही यहाँ पर डायमंड रॉयल एकदम से बढ़िया है। यहाँ पर देख लो कितने अच्छे अच्छे लेजेंडरी बंडल आपको डायमंड रॉयल के अंदर मिलेंगे। तो भाई ये तो बढ़िया बात है, यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छे अच्छे बंडल है और आपको डायमंड रॉयल के अंदर मिलेंगे। जब भी आप डायमंड रॉयल की स्पिन करोगे तो भाई आपको ये वाले बंडल भी साथ में मिलेंगे, तो भाई बढ़िया बात है। चलो यहाँ पर गोल्ड रॉयल के अंदर चल के देखते हैं भाई क्या कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पर देख लो जो होली वाला बंडल आया था अपने इंडिया सर्वर के अंदर, जो होली में अपन को फ्री में मिला है, पर यहाँ पर गोल्ड रॉयल के अंदर मिल रहा है भाई। तो मुझे नहीं लगता भाई कैसे हो सकता है ये सब। तो चलो यहाँ पर अपन चल लें गोल्ड रॉयल के अंदर कि भाई गोल्ड रॉयल के अंदर अंदर क्या है। तो आप यहाँ पर देख लो सारे करेक्टर यहाँ पर अवेलेबल है, सारे तो नहीं पर भी जितने भी अपने यूज वाले करेक्टर हैं जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं, जैसे कला हो गया, कैली हो गया, तो ये दो करेक्टर हैं जो दो तीन, यहाँ पर पलोमा भी है तो ये भी अपन ज़्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये वाले करेक्टर यहाँ पर गोल्ड रॉयल के अंदर अवेलेबल है, यानी कि जब भी आप यहाँ पर गोल्ड की स्पिन लगाओगे तो यहाँ पर ये भी करेक्टर आपको मिलेंगे। तो भाई ये भी बढ़िया बात है देख लो। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ इवेंट नहीं है लकी रॉयल के अंदर, गिने चुने ही 3 से 4 इवेंट है, मतलब 3 ही इवेंट है। चलो यहाँ पर फटाफट से चलते हैं स्टोर के अंदर और स्टोर के अंदर देखते हैं भाई क्या कुछ अवेलेबल है। तो चलो हम आ चुके हैं यहाँ पर मैक्सिको यानी कि US सर्वर के अंदर। तो स्टोर के अंदर तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ यहाँ पर बॉक्सेस वगैरह हैं, तो बॉक्सेस वगैरह नहीं चलते, देखते हैं बस सीधा स्टार्ट करते हैं न्यू के अंदर कि भाई न्यू के अंदर क्या है। न्यू के अंदर तो वही चल रहा है जो टाइटन के यहाँ पर गन्स की स्किन आए वो यहाँ पर यूज मतलब अवेलेबल हैं। पर यहाँ पर देख लो बंडल की प्राइस देख लो, यहाँ पर कद्दू वाला बंडल यहाँ पर यूज में है मतलब अवेलेबल है। तो यहाँ पर देख सो अच्छे अच्छे लेजेंडरी बंडल है भाई यहाँ पर स्टोर पे, आप देख सकते हो जो US सर्वर है उसके अंदर लेजेंडरी यहाँ पर स्टोर के अंदर ही बंडल है भाई। यहाँ पर यार ये वाला बंडल देख सकते हो आप, ये भी बंडल यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत ही बढ़िया बंडल है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको 1000 डायमंड में यहाँ पर स्ट्रीट बॉय का बंडल मिलेगा भाई, क्या कुछ है। और यहाँ पर देखो अगर आप यहाँ पर फीमेल और मेल दोनों का बंडल लेते हो साथ में तो 1500 डायमंड में मिलेगा, पर इंडिया सर्वर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 डायमंड एक ही मेल का बंडल मिलेगा। और अगर ये वाला फीमेल का बंडल आपको परचेस करना है तो वो अलग से परचेस करना पड़ेगा। तो भाई ये भी अजीब बात है कि मैक्सिको सर्वर सबसे सस्ता सर्वर है मेरे ख्याल से, बहुत ही सस्ता सर्वर है, क्योंकि हमारा ना रुपयों में काम होता है और उनका डॉलर में काम होता है, तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा हो सकता है। पर यहाँ पर जो बंडल देखोगे भाई, यहाँ पर 300 डायमंड में बंडल मिलता है, वो यहाँ पर 800 डायमंड में मिल रहा है। अगर ऐसा होता होगा कि भाई मैक्सिको सर्वर से अपन कुछ खरीद लो इंडिया वाले, और इंडिया और मैक्सिको वाले यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट के जो प्लेयर हैं वो इंडिया सर्वर से खरीदे, तो भाई अपन ना सारा कुछ खरीद लेते हैं यहाँ से, कितना कुछ सस्ता है और कितना कुछ महंगा। चलो करेक्टर के अंदर चलते के देखते हैं भाई करेक्टर का क्या कुछ प्राइस है। करेक्टर का ज़्यादा कुछ प्राइस नहीं है, बस सेम ही है, पर यहाँ पर कुछ अपडेट है मेरे ख्याल से। देख सकते हो जो करेक्टर अपन को गोल्ड में मिलते हैं वो यहाँ पर देख सकते हो डायमंड में मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एक ही कैली का करेक्टर ओनली गोल्ड में ले सकते हो, बाकी जितने भी आपको करेक्टर खरीदने वो आपको यहाँ पर डायमंड में लेने होंगे। तो भाई बढ़िया है मेरे ख्याल से भाई। ओके, तो यहाँ पर आलोक का और मेरे ख्याल से सबका प्राइस सेम ही है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं मेरे ख्याल से, तो बढ़िया है, इसको नहीं देखते। चलो फैशन के अंदर देखते हैं भाई फैशन के अंदर क्या कुछ है। और यहाँ पर सारे हेयर वगैरह देख लो, और स्ट्रीट बॉय बंडल का आप एक एक करके सारे आइटम ले सकते हो। अगर आप पूरा बंडल नहीं परचेस करना चाहते तो आप यहाँ पर एक एक करके भी सारे मतलब पूरा कुछ यहाँ पर आइटम वगैरह ले सकते हो। ज़्यादा कुछ अवेलेबल है नहीं वैसे मैक्सिको सर्वर के स्टोर के अंदर। तो यहाँ पर चलो अंदर देख लेते हैं चश्मे वगैरह क्या कुछ है भाई। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, चश्मे वश्मे तो बिल्कुल है ही नहीं मेरे ख्याल से।
और यहाँ पर जैकेट वगैरह देख लेते हैं। देख सकते हो आप स्ट्रीट बॉय की वो जैकेट है, वो भी आप अलग से परचेस कर सकते हो। प्राइस एकदम से सेम है, रिच की बॉडी का प्राइस आप देख सकते हो 800 डायमंड में है। और ये वाली टी शर्ट भी देख सकते हो भाई कितना कुछ प्राइस आई है, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही प्राइस आई है। तो ये वाली टी शर्ट भी आप देख सकते हो गोल्ड में है, गोल्ड में भी अपन परचेस कर सकते हैं। तो पैंट के अंदर भी आप स्ट्रीट बॉय बंडल का वो पैंट यहाँ पर अलग से परचेस कर सकते हो। और यहाँ पर सारे पैंट का प्राइस अभी एक करके देख सकते हो भाई क्या कुछ अवेलेबल है। तो आप फटाफट से देख लो, मैं नहीं चाहता हूँ भाई वीडियो ज़्यादा ही कुछ लंबा हो जाए, तो आप फटाफट से देख लो यहाँ पर जो पैंट की प्राइस है वो यहाँ पर, और जूते की प्राइस देख सकते हो भाई क्या कुछ है। और स्ट्रीट बॉय बंडल का जो जूता है वो यहाँ पर 200 डायमंड में अवेलेबल है, तो भाई ये भी बढ़िया बात है मेरे ख्याल से भाई। तो यहाँ पर सारे जूतों का प्राइस देख सकते हो। और यहाँ पर निंजा वगैरह देख लेते हैं भाई क्या कुछ प्राइस है। 1500 डायमंड में मिल रहा है भाई, जो इंडिया सर्वर के अंदर जो निंजा का बंडल होता है वो यहाँ पर 800 डायमंड का मिलता है, पर यहाँ पर देख सकते हो यूएस सर्वर के अंदर यहाँ पर 1500 डायमंड मिलेगा। पर यहाँ पर बंडल के अंदर लेजेंडरी बंडल है मेरे ख्याल से, बढ़िया बात है भाई। कलेक्शन के अंदर चल के देखते हैं भाई क्या कुछ अवेलेबल है। और यहाँ पर देख सकते हो लूट बॉक्स वगैरह वही है जो इंडिया सर्वर के अंदर है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। पर बैकपैक के अंदर देखोगे तो जो हमको डायमंड टॉपअप पर बैकपैक मिला था वो यहाँ पर 500 डायमंड में अवेलेबल है भाई, ये भी बढ़िया बात है। और ड्रैगन बैग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, पर यहाँ पर देख सकते हो ये वाला बैकपैक यहाँ पर अवेलेबल है जो इंडिया सर्वर पे अभी तक नहीं आया है। पैरासूट की बात करते हो तो पैरासूट भी देख लो यहाँ पर कुछ अवेलेबल, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। और चलते हैं स्केटबोर्ड के अंदर, तो वही है जो इंडिया सर्वर के अंदर है। व्हीकल के अंदर चलते हैं तो व्हीकल का प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पर 1300 से भैया कितना कुछ छू रहा है भाई, आसमान छू रहा है प्राइस। कुछ प्राइस सस्ते हैं, कुछ प्राइस महंगे भाई, समझ में नहीं आता क्या कुछ है। और चलो इमोट के अंदर चलते हैं, तो इमोट के अंदर आपको देखने को मिलेगा सारे इमोट देखने को मिलेगी। चलो फटाफट से एक क्लिप में आपको सारे इमोट दिखा देता हूँ। तो भाई लोग आपने यहाँ पर देखा जो यूएस सर्वर है वहाँ पर सारे इमोट अवेलेबल हैं, पर यहाँ पर लोल का इमोट अवेलेबल नहीं है। तो ये भी आप देख सकते हो भाई कितने प्रकार की इमोट है, पर लोल का इमोट नहीं है तो उसकी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर सारे लेजेंडरी जितने भी इमोट है बढ़िया बढ़िया वाले इमोट यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो पैट के अंदर आप देख सकते हो भाई कितने सस्ते पैट हैं भाई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सस्ते पैट है किसी भी सर्वर के अंदर, इतने सस्ते पैट नहीं मिलेंगे। 500 डायमंड में आप कोई भी पैट यहाँ पर परचेस कर सकते हो, पर इंडिया सर्वर के अंदर आपको 500 से 600 डायमंड 700 डायमंड तक आपको लगाने होंगे, तब जाके आपको ये वाले पैट अवेलेबल मिलेंगे, यानी कि पैट परचेस कर पाओगे। और यहाँ पर जो आप गन की क्रेट्स की प्राइस देखोगे तो 5 डायमंड कम है अपने इंडिया सर्वर से। अपने इंडिया सर्वर पे 40 डायमंड की क्रेट मिलती है, पर यहाँ पर आपको मिलेगी 35 की, तो भाई ये भी बढ़िया बात है यहाँ पर। चलो न्यू के अंदर देखते हैं क्या कुछ अवेलेबल है, वही है जो अभी अभी आया है। लीजेंड के अंदर चलते हैं तो लीजेंड के अंदर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं, मतलब इंडिया सर्वर के हिसाब से बिल्कुल एकदम से सेम ही है। पर यहाँ पर कुछ यहाँ पर देख सकते हो नई M60 स्किन है, मेरे ख्याल से इंडिया सर्वर पर नहीं है, तो ये भी बड़ी बात है यहाँ पर। चलो यहाँ पर ग्लू की स्किन भी आप परचेस कर सकते हो, ग्रेनेड भी परचेस कर सकते हो, तो यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है। चलो रिडीम के अंदर चल के दिखाते हैं भाई रिडीम के अंदर कितने कुछ बंडल है। तो मैजिक क्यूब के अंदर आर्टिक ब्लू बंडल छोड़ के यहाँ पर सारे बंडल अवेलेबल हैं यूएस सर्वर के अंदर, तो ऐसा कोई बंडल नहीं होगा जो यहाँ पर अवेलेबल ना हो। हाँ हो सकता है एक दो बंडल ऐसे होंगे जो यूएस सर्वर के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे, पर यहाँ पर मेरे ख्याल से ज़्यादा अधिकतर सारे बंडल अवेलेबल हैं। यहाँ पर देख सकते हो सारे बंडल अवेलेबल हैं। एफएफ टोकन के अंदर देखोगे तो आपको ये वाले पैंट और ये पूरा कलेक्शन आपको यहाँ पर फ्री एफएफ टोकन एक्सचेंज में मिलेगा, पर इंडिया सर्वर के अंदर ये वाला आपको डायमंड में लेना पड़ेगा भाई, उसकी तो बात ही मत करो भाई। यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ वही है, पर यहाँ पर 2020 मेमोरी का एक कुछ इवेंट चला जिसमें आपको कोरोनो का बंडल हो गया भाई, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, मतलब शॉर्ट बंडल है। तो टी शर्ट और पकच्छे वगैरह हैं, जूते वगैरह हैं, तो बहुत कुछ आपको एक्सचेंज में मिलेगा। तो आपको ये बॉक्स ओपन करना पड़ेगा, अगर आप बॉक्स ओपन करते हो तो उसमें आपको ये वाले टोकन मिलेंगे, और उन टोकन से आप इस वाले को आप यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो सारा यहाँ पर कुछ कैसा है। इवेंट सेक्शन के अंदर देखोगे तो आपको कोई ज़्यादा कुछ खास मिलेगा नहीं, पर यहाँ पर देख सकते हो जो डायमंड टॉप अप चल रहा है तो यहाँ पर एक इवेंट मिल रहा है और बैजेस वगैरह भी मिल रहे हैं। तो आपने सारा यहाँ पर देख ही लिया है कि मैक्सिको सर्वर किस प्रकार का है, तो यहाँ पर कॉलबैक वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा हमारा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।